जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर शीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर शीमा के साथ। व्यूअर्स, आज जब हम शो कर रहे हैं तो 2020 काम है और ये साल खत्म होने वाला है। इस साल ने हमें बहुत सारे दुख भी दिए होंगे, खुशियां भी दी होंगी, और जाहिर बात है कि कोविड-19 की वजह से हम नहीं चाहते कि इस तरह का साल दोबारा आए, क्योंकि जिस तरह इंसानियत जकड़ी गई और जो मुश्किल पैदा हुई, तो जाहिर बात है 2021 आने को है। अभी थोड़े घंटे बाद 2021 शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान का जो डिस्कोर्स है या जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, मीडिया डिस्कोर्स है, वो बड़ा हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है जो है ना मेल मर्दों से। तो मैंने सोचा कि मैं तीन पावरफुल खवातीन को इन्वाइट करूँ जो कि अपनी अपनी फील्ड में काम कर रही हैं और दे ओपिनियन मेकर्स और इन्फ्लुएंस करती हैं सोसाइटी को। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एलिया ज़ारा, जो कि जर्नलिस्ट हैं लाहौर बेस्ड और नया दौर का काम करती हैं और बड़ी बोल्ड एंड जो टॉपिक है और अपनी जो रिसर्च और अपने जर्नलिज्म के हवाले से बड़ी प्रोग्रेसिव थॉट्स रखती हैं। मेरे साथ मौजूद है आमना उमैर, जो कि इस्लामाबाद बेस्ड हैं, थिंक टैंक में काम करती हैं और एजुकेशनिस्ट हैं और पब्लिक पॉलिसी में भी काम करती हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी, मेरे शो में पहले भी कई दफ़ा आ चुकी हैं, आप सब जानते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। मैं तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले एलिया आपके पास जाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान यू वांट टू सी इन 2021। 2020 तो हो गया, लेकिन व्हाट डू बिलीव कि हमें 21 में कैसा पाकिस्तान होना चाहिए जो 20 में ना हो। जी थैंक यू चीमा साहब। आई थिंक डिस्कस करने के लिए कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए अगले साल में, ये डिस्कस करना जरूरी है कि पिछले साल में क्या ऐसी चीजें थी जो गलत हुई या जो नहीं होना चाहिए था। तो आई थिंक इस साल 2020 के अंदर जो है, जाहिर है वो तो पूरी दुनिया के लिए कोविड की वजह से एक बहुत ही एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स का सामना हमें करना पड़ा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो कोविड की वजह से एक तरह से हमारा जो जैसे कहते हैं ना फॉल्ट लाइन आपकी जो है वो खुल के सामने आ गई कि हमारी जो एबिलिटी है वो ये तो बस इस तरह हुआ कि पाकिस्तान जल्दी वो हो गया सेटल कोविड का। लेकिन शुरू के दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग भी हुई और उससे ये पता चला कि हमारा जो पूरी जो स्टेट है उसकी कैपेसिटी जो है वो इस तरह के पेंडेमिक से डील करने की बिल्कुल भी नहीं है। चले वो और भी उनको हुआ आप कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल इससे ये हुआ कि हमें थोड़ा सा वो अंदाजा हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है या जो वहाँ के लोग हैं जो पॉलिसी वगैरह बनाते हैं उनको बिल्कुल जो है वो उनकी एक तरह से आप कह लेंगे इनकॉम्पिटेंस जो है वो खुल के सामने आ गई। अगर हम मेजर जो कुछ इस साल के अंदर इस तरह की बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी उसकी बात करें तो मेरे ख्याल से जमहूरियत के लिए ये साल बहुत बुरा था पाकिस्तान में, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर बहुत सारे ऑनस्लॉट का उसे सामना करना पड़ा, उससे बहुत सारे हमले हुए जो अभी तक जारी हैं और पहले से ही जारी थे, इस साल के अंदर शुरू नहीं हुए, लेकिन इस साल के अंदर जो क्रिएटिविटी के दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। और साथियों की जो आज़ादियाँ हैं, क्योंकि मैं खुद साथी हूँ तो आई हैड टू यू नो डील विद दिस, तो वो बहुत ज़्यादा सफर इस तरह से हुई। हमें ये इस तरह से मैसेज मिला कि जो हुकूमत वक्त है वो आज़ादी की राय का जो है वो इस तरह से गला घोंटना चाहती है, उसको ख़त्म करना चाहती है, और जो पावर में बैठे हुए लोग हैं इस वक्त, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, वो बिल्कुल भी वो नहीं टॉलरेंस रखते कि वो ज़रा भी एक भी लफ्ज़ तनकीद का सुन सकें टॉलरेंस के साथ या वो कर सकें। हर तरह की तनकीद जो उन पर हुई उसे उन्होंने बहुत ही एक हॉस्टाइल तरीके से डील किया, उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझने के बजाय उसके ऊपर वो हुआ। आप देखें मतीउल्लाह जान एक सहाफ़ी हैं जिनको दिन दहाड़े इस्लामाबाद से डक किया गया और उसकी फिर आपने देखी थी क्या उसका नतीजा निकला, प्राइम मिनिस्टर जो है मजाक उड़ा रहे थे उसका और फिर वो इन्वेस्टिगेशन भी आ गई बड़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है वो मामला। उसके अलावा आप देखेंगे सिंध के अंदर हमने देखा उसी के मिसाल में कि सिंध की आईजी को किडनैप करने की बात हुई कि वो कोई इस तरह आपस में उनके डिफरेंसेस फैलाने के बजाय, तो वो एक बहुत कोई एब्सर्ड किस्म की चीजें सामने आई कि आप इमेजिन करें कि ये ऐसा मुल्क जिसके अंदर एक पुलिस चीफ जो है एक सूबे का वो ही किडनैप हो जाता है, उसको वहाँ पे सूबे की हुकूमत को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उसने कुछ हुक्म जो आए थे वो मानने से उसने इनकार कर दिया। अब वो चीज़ें उनका कोई दूसरा उन्होंने यूटर्न ले लिया सिंध हुकूमत ने कि नहीं वो डक शायद नहीं हुए थे या क्या, लेकिन वो बहरहाल वो पूरी एपिसोड की
बहरहाल आर्मी चीफ ने जो है उसको एक तरह से एक्नॉलेज तो किया था कि वो कुछ मिस हैंडलिंग वहां पर हुई थी, और उन्होंने कहा था कि कुछ ओवर जेलस ऑफिसर्स थे जिन्होंने जो है वो बहुत ओवर जेलस होकर तो वो जज्बात में आकर वो एक्शन लिया. तो वो उस पर्टिकुलर एपिसोड से भी काफी जाहिर हुआ कि किस तरह हमारी जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है किस तरह से मतलब एक अथॉरिटेरियन कल्चर जिसे हम कहते हैं वो कितना आम हो गया है. कि चले सहाफी और एक्टिविस्ट तो दूसरी बात है, एक पुलिस चीफ भी अगर आपका हुक्म मानने से इनकार करे तो वो भी उसको इसका सामना करना पड़े. अच्छी बात है कि इन्वेस्टिगेशन हुई और उस पर जो है वो सच सामने आया और कार्रवाई की गई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सुपर जो रिस्पॉन्सिबल थे. ये एक इसके अंदर से अच्छी बात है कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने हम सुनते हैं कि रिपोर्ट तलब कर ली गई लेकिन आगे से कुछ निकलता नहीं. वो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, आई थिंक समथिंग पॉजिटिव. इसके अलावा जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर हम बात करें, वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो रिलीजियसिज्म बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर शिद्दत आई. माइनॉरिटीज रिलीजियस माइनॉरिटीज में उनके खिलाफ बहुत हमले बड़े आप देख रहे होंगे. कल ही हमने देखा सरहद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक हिंदू जो है मंदिर को आग लगा ली गई और जो उसका नोटिस भी दिया. ये कोई एक वाक़ा इस तरह का नहीं है, इस तरह के पूरे साल में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है अहमदी कम्युनिटी के लोग. सबसे अफसोस की बात ये कि ये सारी चीज़ें हमारे मेन मीडिया पे आती नहीं है, जिसका जैसे लोग की जिंदगी जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनके पास मिल जाए. तो वो अहमदी कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा पेशावर के अंदर तीन चार जो है वो इस तरह की वाकयात हुए कि वो कत्ल हुए. वो उसके अंदर तेजी इसलिए आई क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें नजर आ जाता है कि पिछले साल नहीं था कैंपेन, इस साल तेजी उसमें आ गई. तो वो सारा कुछ उसके अलावा आप देखें कि ब्लास्फेमी जो लॉ है उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस बार जो है उसका मिसयूज किया गया. ये एक बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे. हमें पता है कि जाने चली जाती हैं और एक तरह से एक्सपोजिशनल किलिंग होती है और मॉब जस्टिस का सामना करना पड़ता है जिस पर इल्जाम लगता है उसको. और इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा तेजी आई और ये जो है वो हमने देखा कि जब ये मुहर्रम चल रहा था अभी कुछ महीने पहले तो उसमें जो है वो काफी सारे शिया जो इंडिविजुअल्स हैं उनके उनको सिर्फ अपना फेथ प्रैक्टिस करनी जो वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे उसके बेसिस पे उनको ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा कर उन्होंने रिसालत कर दी है तो उन्हें मतलब कर दिया उस पर उनके ऊपर FIR पर्चे कटे जो मतलब और उनको अरेस्ट बहुत कुछ बूढ़े लोगों को सिर्फ अपना फेथ प्रैक्टिस करने पे अरेस्ट किया गया. तो वो बेसिकली हुआ इसलिए क्योंकि जो आर्मेनियन के एक्सट्रीमिज्म में तेजी आई तो इसलिए उन्होंने उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी कि इनको इस बार नहीं करने देना. तो वो उसकी वजह से ये हुआ कि रियासत में भी उसके आगे घुटने के लिए जैसे हमेशा रियासत करती है. और फिर आपने देखा होगा कि वो हैदराबाद का धरना जो है वो दोबारा हुआ, उस पर दोबारा उनके साथ एक दफा फिर से जो है वो अग्रीमेंट साइन किया गया. तो अब की बातें तो काफी ज्यादा गंभीर थी बट अगले साल का जी अगले साल का अगर जो है वो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो मेजर प्रॉब्लम इस वक्त आई थिंक CBM जो है वो बहुत ज्यादा वो कर रही है एजुकेशन के मूड में, वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है इसको हमें अब खत्म होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो है बाकी मसाइल जो हमारे हैं उनके ऊपर नहीं हो रहा. अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, दूसरे कॉमन मैन इश्यूज हैं बहुत सारे, उसमें कुछ वो हो नहीं पा रहा. अब PDM भी ठीक है, आप जो भी एग्री करें या जिससे भी करें लेकिन चलाना तो है ना मुल्क को. तो वो जरा पता चल जाए कि इसका क्या निकलेगा. और दूसरा ये कि जो डेमोक्रेसी वगैरह है सहाफियों के लिए जो इस वक्त पाबंदियां हमारे ऊपर लगी हुई उनको खत्म किया जाए, पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बहाल की जाए. मेरे ख्याल से अगले साल में हम सब सहाफियों को जो इससे गुजर रहे हैं उनको एक यूनाइटेड तरीके से एक कलेक्टिव बनाना चाहिए जिससे मैं लिए आपसे सुझाव लेता हूँ. आपने काफी बातें की, आपने सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की, आपने ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, अहमदियाज के साथ जो इश्यूज हैं, ब्लास्फेमी लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एब्सोल्युटली काफी आपने एक लंबी चौड़ी इश्यूज हमने इश्यूज ऑफ 2020 हो गए. मैं अर्जुन आदमी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर मैं आमना उमैर के पास आता हूँ. अर्जुन, व्हाट डू यू थिंक के हमें ये इश्यूज हैं जो 2020 के थे जिनका एलिया ने जिक्र किया, हमें 2021 में क्या करना चाहिए कि हम 2020 रिपीट हो. बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो छीमा साहब के आपने इनवाइट किया और मैं बिल्कुल जितनी बातें भी आहिल्या ने की हैं मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूं. और सबसे बड़ी बात जो हमें अगर आप 2021 की बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए तो हमें सबसे पहले सच बोलना सीखना पड़ेगा. हमें हर जगह जाके ये कहना कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, ये अभी आप आधे घंटे पहले आप खुद कर रहे थे, तो वो हमें करना छोड़ना पड़ेगा. आपने पहला इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया है. मैं आप नहीं नहीं सुन ले अभी आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया है. मैं होस्ट होने का फायदा उठाने लगा हूँ
जो आपने जिक्र कर रही थी जो मंदिर गिरा है, मैं पहली बात है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इजाजत नहीं है कि माइनॉरिटीज के साथ गोरा सलूक किया जाए। मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सब एक ही लाइन में बनेंगे, ये बात की थी। दूसरी जो मैंने बात की थी, मैंने कहा था इंडियन को कि देखें ये इंडिया नहीं है जहाँ पे आपने मस्जिद गिरा के मंदिर बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक किया है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। मैंने सिर्फ इतना सा एक बैलेंस ड्रॉप करने की कोशिश की थी, अदरवाइज आई कंडेम जो हुआ है, मैंने ट्वीट भी किया है, प्लीज बोलिए। जी बिल्कुल, लेकिन चीमा साहब वही बात है कि क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लिखा है या कहाँ क्या लिखा है उसकी बात नहीं है, वो लिख कर हम लोगों ने जो है उसे ड्रॉज में डाल दिया है, उसके ऊपर जब तक काम नहीं होता, उसको जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर देते तब तक वो चीज़ बेकार है। सिर्फ उसको पढ़कर छोड़ देना जो है और फिर उसके ऊपर काम ना होना जो है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है। और उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लेने की बात की है, लेकिन जब तक वो उस पर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं होती, हम जाके किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि आपने भी गलत किया था इसलिए हमने भी गलत किया। पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको जो उनके सहाफ़ी हैं, जो उनके जर्नलिस्ट मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर पे कर रहे हों या टीवी पे कर रहे हों या सोशल मीडिया, यूट्यूब, जो भी ज़रा इस्तेमाल कर रहे हों, उनको रोकने की कोशिश बंद करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम लोगों को हैरेस किया जाता है, जिस तरह से हमें गलत किस्म की ट्वीट्स हमारे लिए लिखी जाती हैं और तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, ये चीज़ सभी जानते हैं। और स्पेशली जो फीमेल जर्नलिस्ट के साथ जो सलूक किया जाता है और कैरेक्टर एसेसिनेशन और इस तरह की बहुत बातें होती हैं, यहाँ तक के बहुत दफ़ा मुझे भी जो है वो डेथ थ्रेट्स तक आ चुकी हैं और इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी हुकूमत को। और उनके अपने बहुत से सो कॉल्ड चीते जो वो कहते हैं जी टाइगर फोर्स, वो बैठी हुई है सोशल मीडिया पे, जो थोड़ा सा भी अगर आप क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट को कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, उसके ऊपर वो शुरू हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी और उनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा और हमें हर तरह की जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको तहफ़ देना पड़ेगा, वरना सिर्फ ये कह देने से नहीं जी इस्लाम तो इजाज़त देता नहीं है। इस्लाम का तो हम पहले भी नाम बहुत सुनते थे और ये भी सुनते थे जब धमाके हुआ करते थे तो कहा जाता था जी हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे। पहली बात तो ये कि इजाज़त मांग कौन रहा है, बग़ैर इजाज़त मांगे ही लोगों ने जाके मंदिर तोड़ दिया। तो अगर आप किसी का मंदिर तोड़ते हैं तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मस्जिद की रिस्पेक्ट की जाए तो आपको उसके मंदिर की भी इज्जत करनी होगी। हमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा जो कि नहीं हो रहा, और ये बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कह रही हूँ कि परवेज भाई तक ने कहा है कि हमारे टीचर्स तक ठीक नहीं निकल रहे तो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा। तो मेरे ख्याल है टीचर्स ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टीचर्स को भी माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो एक तरह के जिहादी और एक्सट्रीमिस्ट बाहर निकालें अपने स्कूलों से, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से। हमें हर हाल में जो है वो एक दूसरे की बात सुनने का हौसला रखना पड़ेगा, चाहे वो मुल्क के अंदर बात हो रही हो, चाहे हम बाहर से, भारत से या किसी और से बात सुन रहे हों या किसी भी दुनिया के हिस्से से बात हम सुन रहे हों। एक चीज़ और पाकिस्तान को ये करनी पड़ेगी 2021 में कि हमें इस हर जगह पे मजहब को लाना जो है वो बंद करना होगा। अगर हमें दुनिया के साथ चलना है, दुनिया आपके साथ बिजनेस करेगी, इकोनॉमी के ऊपर काम करना होगा तभी दुनिया आपके साथ चलेगी। हर जगह आप इस्लाम का झंडा लेके नहीं जा सकते, अब तो इस्लामिक कंट्री भी हमें घास नहीं डालती, तो मतलब अपनी घास हम खुद ही उगा रहे हैं और खुद ही खा रहे हैं। तो ये कि इस्लामिक कंट्रीज ने भी हमें आईना दिखा दिया और हमें कहा टाटा बाय बाय निकलो इधर से। तो अब हमें जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब तक अपनी कमजोरियों को हम मानेंगे नहीं तो हम उसमें से निकल कैसे पाएंगे। हम तो अभी तक एक अपने ख्वाबों में रह रहे हैं कि नहीं जी हम तो इस्लाम के ठेकेदार हैं और हर जगह जो है वो इस्लाम का नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दुनिया में जितने मुल्कों ने भी तरक्की की है उन्होंने एजुकेशन में और इकोनॉमी, ये दो चीज़ें उन्होंने साथ लेके चले तब उन्होंने तरक्की की है। मज़हब की बेस पे कि कोई गवर्नमेंट चाहे वो सऊदी अरेबिया ही क्यों ना हो तो वो मज़हब के नाम पे आगे नहीं बढ़े हैं, वो भी तेल बेच रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, गधे वधे थे वो भी हमने बेच के ख़त्म कर दिए, थोड़े से पार्लियामेंट में रह गए अब उनको हमने उधर ही छोड़ दिया। जी जी बस आप तो थोड़ा सा बड़ी हार्ड लाइन लेती है, चले ठीक है, दिस इज रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन, लेकिन आज उन्होंने पांच छह बातें की, उन्होंने कहा सबसे पहले सच बोले, अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करें, हैरेसमेंट खत्म होनी चाहिए,
और एजुकेशन में जो है वो एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए और जो रिलीजन है वो इंडिविजुअल इश्यू होना चाहिए, कलेक्टिव इश्यू ना बने। तो 5-6 पॉइंट आरजू ने हाईलाइट किया। आमना उमैद साहब, मैं आपके पास आता हूँ, आप एज ए पब्लिक पॉलिसी मेकर और थिंक टैंक में काम करती हैं, व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान यू वांट टू सी इन 2021? आमना, आप मुझे सुन सकती हैं? आई थिंक उनकी स्क्रीन जो है वो स्टैंड स्टिल हो गई है, मेरा ख्याल है वो मैं दोबारा ज्वाइन कर लेंगी। मैं इलिया आपके पास ही आता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो आपने मुझे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाई वो जारी बात है जिसमें बहुत कुछ है, लेकिन इलिया आप क्या समझती हैं ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसको हम ये जो पाबंदियां ये कैसे ठीक हो सकती हैं? मीडिया क्या, अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया में आप, मैं, हम सारे कभी टीवी के मरहूने मिन्नत हुआ करते थे अपनी आवाज लेके जाने पे, अभी तो सोशल मीडिया हमारी आवाज ले जाता है। तो व्हाट डू यू बिलीव कि ये वाकई इतना ज्यादा मामला खराब है कि इतनी ज्यादा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच पे पाबंदी है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमेशा ही आज़ादियों को जो है इस तरह दबाया जाता है, जब कोई इस तरह होता है कि कोई मनान में कोई पावर में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो थोड़ा सा इस तरह हो कि हमें नहीं, मैंने डिसेंट की इजाज़त किसी तरह की नहीं देनी। लेकिन फर्क पास्ट से और अब का फर्क ये है कि पहले हमें पता था कि ये डिक्टेटरशिप है और उसके अंदर हमें उससे हम लड़ सकते हैं, मार्शल लॉ है। अब ये एक हमें कहते हैं कि हाइब्रिड रेजिम है और एक पेज पर है सब और हमें पता नहीं है कि वो कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं और क्या इस तरह हो रहा है, क्लैरिटी ऑफ वो नहीं है ना कि किस तरह से हम इसे डील करें। तो फिर ऑब्वियसली जब आपको पता नहीं है कि ये आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एग्जैक्टली क्या वो है, और वो ऑब्वियसली फिर ज्यादा उसके अंदर पाबंदियां बढ़ गई हैं, तो वो फिर ये होता है कि आप उससे लड़ नहीं सकते इस तरह से। मेरे ख्याल से आप जो सोशल मीडिया की बात करें, हुकूमत कोशिश तो पूरी अपनी कर रही है कि सोशल मीडिया पर भी आवाज़ों को दबाए। आप देखें नए सोशल मीडिया रूल्स जो भी आए हैं कुछ महीने पहले, उसके अंदर आप देखेंगे वो क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे वो बेसिकली ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ बंद कर दें, या आपका यूट्यूब चैनल बंद कर दें, पूरी यूट्यूब बंद कर दें पाकिस्तान में, फेसबुक बंद कर दें, क्योंकि उसके ऊपर उनके अब वो देख रहे हैं कि जैसे जो लोग तो को हटा दिया गया टीवी से, जो लोग थोड़ा इस तरह बोलते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ सकती, उनकी जगह नहीं है, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो उसको भी बंद करने की कोशिशें तो पूरी की जा रही हैं और आप देखें कि ये सोशल मीडिया पे हुकूमत के अब पूरे विंग बने हुए हैं जो ये करते हैं। जैसे आरजू ने बात की कि हरासमेंट करते हैं, आप देखें कि ये एक कोई मेरे साथ तो पर्सनली अभी हुआ है रिसेंटली, अभी कुछ एक महीना भी नहीं हुआ होगा इस बात को कि हमने एक नया दौर के ऊपर इसहाक डार का इंटरव्यू किया, एक इसहाक डार का वो जो बीबीसी के ऊपर इंटरव्यू हुआ था उसके बाद उनको क्योंकि बहुत बैकलैश मिली थी, सब एक पूरा एक वो हो गया था, उन्होंने नैरेटिव बना लिया था कि इसहाक डार ने बीबीसी के अंदर उनकी बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत उन्होंने बुरा इंटरव्यू दिया है, वो जो भी आपके व्यूज हो। लेकिन हमने थोड़ा सा उसको उनकी साइड ऑफ स्टोरी सुनाने की कोशिश की कि वो क्या कह रहे हैं, कि उनका वो क्या है। और मैंने थोड़ा सा ये कह दिया कि वो ईयू की रिपोर्ट थी इलेक्शन 2018 से, उन्होंने जो बात की थी वो ईयू की रिपोर्ट असल में क्या कह रही थी, और वो जो होस्ट था बीबीसी का उसने ईयू की रिपोर्ट को कोट किया था। ईयू की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं कहा था, बहुत सारी इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की थी। तो मैंने वो वीडियो के अंदर ये बताया और हमने फिर एक इंटरव्यू उसके साथ किया, तो उसके बाद एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। पीटीआई के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, आप इमेजिन करें, तो रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से उन्होंने वो क्लिप्स मेरी जो है डॉक्टर करके उसको वो ट्रोल अंदाज के अंदर जो है उसको प्रेजेंट किया, और उसके बाद से वो सारे अटैक शुरू हो गए। और ये ऑफिशियल आप देखिए शहबाज की टाइमलाइन आप जाके देख लें वो सारा कुछ, तो ये एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड किस्म की कैंपेन है जो एक तरीके से वो करते हैं कि हमने बेसिकली सहाफियों को ये कहना है कि आप जो है वो आप कोई बात हुकूमत के खिलाफ ना करें, अगर आप करेंगे तो फिर आप गालियां खाने के हकदार हैं और आपको ही होना चाहिए आपके साथ। तो इससे ये वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को भी बंद कर दें। ओके, चले इसको मैं जारी बात है, ये जो आपने हाइब्रिड रिजीम और सोशल मीडिया ये जो बात की मैं इसको लेके चलता हूँ। आमना ने हमें ज्वाइन कर लिया, आमना मुझे सुन सकती है? मेरा ख्याल है उनकी कोई स्टैंडस्टिल बार बार हो रहा है, मैं दोबारा उनके पास जाता हूँ। आरजू, आपने इतनी बातें की कि रिलीजन जो है पहले सच बोलें, लॉ इंप्लीमेंट करें, तो मैं तो जस्ट एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हमने, मैं और आप तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मंदिर वहां पे जो जलाया गया है हम उसको कंडेम करते हैं, और पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा बंदा बताएं जो ये कहते हुए उन लोगों से जिन्होंने उनको, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पावरफुल लोग हैं और जो ओपिनियन मेकर हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, ये कहें कि जो मंदिर को गिराया गया या जलाया गया वो ठीक है। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ इंडिया में अभी हम थोड़ी देर पहले रिपब्लिक टीवी पे बैठे हुए थे,
वो लोग हमारे मंदिर को गिरने को जलने को तो हम जिसको कंडेम करते हैं वो भी कंडेम करते हैं, लेकिन जब वहां पे मस्जिद गिरती है तो वो कहते हैं नहीं जिस दिन लोग मुलव्वस थे इनको अब रिहा करें, डालते भी छोड़ देती है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जज तो कहता है कि जी मैं सू मोटो ले रहा हूँ, लेकिन उनके जज तो उसको बोलते ही नहीं है। सो आप इसको कैसे देख रही हैं, ये जो ये डुअल बिहेवियर है, आप नहीं समझती कि दोनों बिहेवियर्स में फर्क है? नहीं चीमा साहब, देखें अगर उन्होंने बाबरी मस्जिद की जहाँ तक बात है तो उसके ऊपर बड़े लंबे अरसे तक केस चला था और उसके बाद उन्होंने एक अलग ज़मीन दी, वो एक अलग चीज़ है। हम अगर हमें उनकी बात गलत लगती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर भी जो गलत हो रहा है उसको उसके साथ मिक्सअप कर दें। हमारे यहाँ ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये मंदिर को गिराया गया है या जलाया गया है। हम बहुत अरसे से, एक साल से तो मैं जा रही हूँ रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल्स पे, और हम हर दो थोड़े दिन बाद इसी तरह का कुछ हमारे यहाँ हुआ होता है और हम बात कर रहे होते हैं कि जी जी हम बड़े शर्मिंदा हैं। सिर्फ हमारे शर्मिंदा होने से तो कुछ नहीं होता ना, मैं शर्मिंदा हो जाऊं या आप शर्मिंदा हो जाएं, असल में तो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, जो वहाँ पे सिंध में या केपीके में गवर्नमेंट है, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, वो इस चीज़ को रोकेंगे नहीं और वो ये बात नहीं कर दोबारा से तामीर करके नहीं देंगे और अगली बार ये एक वाकया नहीं होगा तब हम कह सकेंगे। अगर हमारे वही चीज़ हो रही है लेकिन हम जाके भारत को कहें कि आपने ये मस्जिद तोड़ दी, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो तो हमें यही कहेंगे ना जी आप क्या आपने ये किया है। हमारा कहने का तब हक बनेगा जब हम अपने ये सारी चीजें रोक पाए। अगर तो मुझे एक बात बताएं, जब वहां पे मस्जिद गिरे और सुप्रीम कोर्ट समेत सब उसको लीगलाइज कराएं कि ठीक है, तो उनका कहने का हमें हक बनता है? क्यों नहीं बनता सर? आप क्या तो ना सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व थी ना कुछ, एक मोब गया और उसने तोड़ दिया। उन्होंने मजहब की वजह से नहीं तोड़ा था, उन्होंने मुसलमानों से नफरत की वजह से मस्जिद को नहीं तोड़ा, ये फर्क है। एक बात जी, मैं कहता ये हूँ कि अगर पाकिस्तान में मंदिर गिरे तो उसी तरह कंडेम करे जिस तरह वहां मस्जिद गिरती है। मैं तो कंडेम करता हूँ, अगर अगर पाकिस्तान में मंदिर गिर रहा है तो मैं कंडेम करता हूँ, तो मैं इंडिया की मस्जिद को या मंदिर को गिरने में भी कंडेम करता हूँ, लेकिन वो तो नहीं बोलते। वो तो कहते हैं कि हम मस्जिद गिराए ठीक है, वहां पर मंदिर गिरे तो हम बोलेंगे। आप खुद क्या, आप दोनों चीजों को किस तरह सेपरेट देख रही है? नहीं तो सर हमारे यहाँ तो बात करने की इजाजत ही नहीं है ना। आपके आपके टीवी चैनल्स पे कब आप माइनॉरिटी को डिस्कस करते हैं, कब आप इंडिया की बात करते हैं, कौन से चैनल्स पे आपके इंडियन पैनलिस्ट आते हैं? अगर ऐसा है तो उनको बुलाइए, जैसे वो हमें बुलाते हैं आप उन्हें बुलाइए, उन्हें बिठाइए। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ और वहां पे बैठ के आप डिबेट करें कि जी आपने वो मस्जिद तोड़ दी और क्यों तोड़ दी, कैसे तोड़ दी, क्यों, ये सारी बात आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हम वाहिद कंट्री है जो हम सुनना ही नहीं चाहते कि हमारे साथ वाली कंट्री हमें क्या कह रही है या क्या बात कर रही है। उनको तो मैं कहती हूँ बड़ा हौसला है कि वो हमें बुला लेते हैं और उसके बाद हम उनके अगेंस्ट बात भी करते हैं और उसको वो सुनते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं। इस टॉपिक को दोबारा लेता हूँ, आमना ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, लिंक इनका खराब हो गया था। आमना आप हमें बताएंगी कि व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान इन 2021 आप क्योंकि शुरू से लिंक ड्रॉप करते हैं। जी सॉरी, मेरा कुछ आज इंटरनेट कनेक्टिविटी का यहाँ पर इशू है। और थैंक यू सबसे पहले कि आपने यू इनवाइटेड मी ओवर। अभी बहुत हॉट टॉक चल रही थी उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर, लेकिन मैं इसको एकदम से दूसरी साइड पर लेकर जाऊँगी दोबारा से कि थोड़ा सा हम वापस आए कि देखें हमने क्या किया 2020 में। 2020 तो अब इज अ गॉन स्टोरी, वो हम फिर भी कहें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गवर्नमेंट्स को क्या क्या मिला। COVID-19 ने ऑलरेडी बहुत कुशल दे दिया, इट गेव सो मच टू द गवर्नमेंट कि अपने आप के जो होते हैं प्रॉब्लम छुपाने के लिए, और हमें भी एक कहें कि बेटर हम जगह पे जाएं कि कहाँ हुआ कैसे हुआ। फिर यह है कि अभी अगर हम इसको अपने जैसे सस्टेनेबिलिटी, पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी की अगर उससे हम बात करें तो वी वर एट 134th, उसके बाद अभी हम उससे और नीचे आ गए, हम 130th पे आ गए। तो आप देखें कि बाकी सारे हमारे क्राइसिस प्रॉब्लम्स इश्यूज अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की तरफ से बात करें बिहाइंड पे, आप
अगर मेरा ख्याल है कनेक्शन का इशू आ रहा है और अमना उमैर का। अमना आप काइंडली अगर हमें दोबारा ज्वाइन कर सकें तो इट विल बी ग्रेट, बिकॉज अभी वो थोड़ा कनेक्शन में आवाज नहीं आ रही आपकी तरफ। मैं एक एरिया आपके पास एक सवाल लेके जाना चाहता हूँ और वो सवाल है कि जैसे मेरा ख्याल है कि आमना बात कर रही सिस्टम में, आमना बने दोबारा काइंडली ज्वाइन करें जी। मैं ये कह रहा था कि हमें एक यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात बताएं, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि पाकिस्तान में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, क्योंकि दुनिया में जो लोग खुश होने का जो तरीका है, हमारे लोग खुश बढ़े हैं, हम हमारा दुनिया में खुश होने वालों में जो नंबर है वो कह रहे हो 60-65 के करीब है, जबकि इंडिया में ये और वहां लोग ज्यादा परेशान है या और मुल्कों में हमारे यहाँ वो रिसोर्सेज भी इतने नहीं है, पैसों का भी चैलेंजेस है, इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है। तो एज ए आप खुद एक स्टूडेंट थी, आपने अभी अपना एक जॉब कर रही है, तो अभी बेसिकली आप एक स्टडी वाले मोड से प्रोफेशनल लाइफ में चल रही है, तो आप कैसे कि क्यों खुश है पाकिस्तान में? 2020 जो था वो मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तानी खुश बढ़े और ये कहावत है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, आई थिंक वो हमारा केस है कि कुछ पता ज्यादातर लोगों को नहीं है कि क्या है सिचुएशन, क्या है इस वक्त हमारी और किस किस तरह से पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास नहीं है कि वो उसको सही कर सके। हम तो अपने शहर से बियॉन्ड तो नहीं देखते ना, हमें ये लगता है कि चले हम अगर डेवलप सिटी में है, लाहौर में है, कराची में है, तो हमें क्या पता कि वो वहाँ के पेरिफेरीज के ऊपर क्या हो रहा है, ट्राइबल रीजन के अंदर क्या हो रहा है, या वहाँ पे जो है हमें लगता है कि बस सब ठीक है क्योंकि हम ठीक तरीके से रह रहे हैं, हमें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो ठीक है। इस वक्त बहुत सारे मसाइल है, जो आपने स्टूडेंट और उसकी बात की, आई थिंक ये एजुकेशन सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसका कि लोगों को पता नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप बिल्कुल किसी तरह की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है कि बच्चा खुद से जो है वो एनालाइज चीजों को कर सके। हमने टेक्स्ट बुक्स जो है वो उनको जो है उसके अंदर एक जो स्टेट का नैरेटिव है बस वही हमने डाला होता है उसके अंदर, और वो बिल्कुल यू नो चाइल्डहुड से लेकर बड़े होते हैं मैट्रिक के लेवल तक बच्चा वो पढ़ता है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और इवन हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर आप हमारे देखें क्या कौन सी हमने रिसर्च की है, क्या हम इस तरह कर रहे हैं। परवेज वुड बॉय जैसे प्रोफेसर जो कि वो करते हैं उनको हमने जो है वो निकाल दिया वहाँ से, एससी कॉलेज से, और दूसरे इस तरह के जो प्रोफेसर टीचर्स हैं, अमार अली जान है एक लाहौर में हुआ करते थे, वो पढ़ाते थे पहले, उनको अब निकाल दिया गया क्योंकि एंटायर स्टेट काम अब करवाता है ये, क्योंकि जो जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, उनको ये सारी चीजें बताता है, उसको रियासत जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं करती, उनको हटा देखें बाहर के अंदर से ही एडमिनिस्ट्रेशन फैसला नहीं करती, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशर में लाया जाता है कि आपने इस बंदे को निकाल देना है, और ये जो है ये मैंने खुद मतलब एलिया मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आपने दो बातें की, आपने कहा इग्नोरेंस इज ब्लिस और आपने कहा एजुकेशन क्रिटिकल थिंग, लेकिन एक बात बताएं, अगर समझे कि 50% लोग इलिटरेट हैं और 50% लिटरेट हैं, मिसाल के तौर पर जो एक हमें बताया जाता है, वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो भी तो खुश है ना, तो इसका जरूरी तो नहीं कि जो खुशी है वो पढ़े लिखे बंदे को मिल सकती है, अनपढ़ बंदा जो उसके लिए तो खुशी उतनी इमोशन जरूरी है। आपकी समझ चुके कितनी आप खुश हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर आपका ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं है, आपका कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी और आपकी खुशी एक पैमाने पे तोली जाएगी। ये नहीं होगा कि पीएचडी एमफिल मास्टर्स वाला ज्यादा खुश है और उसकी खुशी को हम अच्छे ग्रेड करें और दूसरे को ना ग्रेड करें। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कह रही हूँ कि तालीम का इट्स नॉट अ क्लास इशू कि जो अमीर बनते हैं वो खुश हैं क्योंकि उनको पता है, गरीब लोग की एजुकेशन नहीं ले सकते वो नहीं है। मैं कह रही हूँ कि एजुकेशन का बहुत से पीएचडी करने वाले भी लोगों से आप जिन्होंने पीएचडी की है पता नहीं कौन कौन सी टॉप की हमारी यूनिवर्सिटी से, उनसे आप बैठ के उनसे पूछें कि क्या पाकिस्तान के मसाइल हैं, वो आपको कोई टेक्स्ट बुक की बातें बताएंगे बस, उससे बियॉन्ड वो आगे नहीं निकल सकेंगे, उनको किसी कोई ऐसे उनका नहीं पता होगा। तो यहाँ पे जो रिसर्च की क्वालिटी है, एजुकेशन की क्वालिटी, अगर डिग्रीज लेने का मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को उनको पता भी हो कि क्या वो सारे हैं, तो ये मेरे ख्याल से हम इसको ये इस तरह की वो आ जाती है स्टडीज और हम वो देख के खुश हो जाते हैं और पाथ पॉजिटिव है और पॉजिटिव स्टोरीज का। आपने रिसर्च और क्वालिटी रिसर्च की बात की, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, मैं आपको सॉरी इसलिए काट रहा हूँ,
कि मैं आमना को लेना चाह रहा हूँ कि वो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। आमना आप काइंडली बताना चाहेंगी कि किस तरह का पाकिस्तान बीसी किसने देखना चाहिए? अच्छा, पाकिस्तान की जो नंबर 21 है ना, आज मैं वैसे ही रिसर्च करी थी, तो इट्स अ नंबर ऑफ लक। तो आई रियली थिंक, आई रियली होप कि इट प्रूव्स टू बी लकी फॉर पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, अभी तो अब गेम बहुत चेंज होगी 2021 में, वो इस तरह बिकॉज वी विल फाइट ओवर द वैक्सीन, बिकॉज द डेवलप्ड कंट्रीज विल फाइट ओवर द वैक्सीन एंड सच कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, वी विल सफर, विल सफर अलॉट। इसलिए बिकॉज देखें आप, बाकी कंट्रीज जो है वो हमारे साथ इसके वैक्सीन के वजह से भी क्या करती हैं। देन वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में अभी वी आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, तो मे बी इट्स अ चांस फॉर यू नो डेवलपिंग मोर जॉब्स, क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल। एंड देन एजुकेशन, एजुकेशन का मुझे लगता है कि वी विल हैव अ लैग, वो इसलिए बिकॉज वही बात है कि टेक्नोलॉजी आउट, जो बहुत सारी कंट्रीज जगह हैं पाकिस्तान में जहाँ पर टेक्नोलॉजी की आउटरीच नहीं है, वहाँ पर बच्चे कैसे तालीम लेंगे। और इसी तरह बाकी अगर हम आएँ तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज मेरे दिमाग में यही पाकिस्तान 2021 के हवाले से एक बड़ी इंटरलिंक चीज़ आई, इफ वी टॉक अबाउट द थ्री पीस, पीपल, पाकिस्तान एंड प्रॉफिट। बिकॉज अगर आप देखें तो ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक है। अगर हम अपने लोगों के हवाले से देखेंगे, लोगों को इम्प्रूव करेंगे, लोग अपने पाकिस्तान के, तो लोग उनके लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, देन ऑब्वियसली पाकिस्तान विल फ्लरिश। और 2021 के लिए यही होप सबके लिए, आई बिलीव के सबको यही चाहेंगे कि जो हमारे साथ 2019 अभी 2020 में हुआ है उससे थोड़ा सा कम बुरा हो। चले, let's see how things unfold. लेकिन जो आज में जो एलिया बात कर रही थी कि ignorance is bliss और education के हवाले से बात कर रही थी, do you believe के पाकिस्तान में ये जो इतने लोग किसी का जो happiness index है इतना high है, इसकी क्या reason है? 2020 बड़ा मुश्किल रहा, और मजे की बात है कि यहाँ पे कोरोना ने किसी को serious ही नहीं लिया, जो जिनकी डेथ हुई, बीमार हुए, वो तो एक और चीज था, लेकिन ये क्या बिहेवियर है कि जितनी बड़ी बीमारी है और वायरल डिजीज है, इसको हम वायरल डिजीज कहते हैं, किसी को कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ये लोगों का क्या एटीट्यूड है कि वो समझते नहीं है कि यार कोरोना भी तो मसला है? तो डू यू बिलीव के ये भी एक खुश है कि हम प्रोवाइड नहीं किए वायरल डिजीज की, हम बहुत ज्यादा यहाँ पे हैं, हमें मसले नहीं है, तो 2021 में ऐसा ही होगा? लगता तो ऐसा ही है चीमा साहब, क्योंकि आप देखें ना कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि, आज ही मैं देख रही थी, न्यूज़ आ रही थी कि उन्होंने कहा है कि जी अब लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ लगाना चाहिए, कोरोना वरोना से घबराए में, तो उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कव्वालियाँ सुने, कव्वालियाँ टीवी पे दिखाई जाएं, गवर्नमेंट इदारों में कव्वालियाँ गाई जाएं। और ये मैं मजाक नहीं कर रही है, सच में उन्होंने तो, मैंने तो आज एक दो मतलब शुरू भी कर दी है, वो पुरानी वो ऋषि कपूर की मूवीज़ में बड़ी कव्वालियाँ होती थी ना, तो वो इस तरह का जब आपके चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कह रहे हैं कि जी कव्वालियाँ गाएं और कव्वालियों को प्रमोट करें और कव्वाली से जो है वो सारे मसले हल हो जाते हैं। इसी तरह मैं एक देख रही थी, शाहिद मसूद साहब का एक क्लिप चल रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पॉपकॉर्न खाने से कोरोना से बचा जा सकता है, तो वो मतलब अजीब अजीब किस्म की हमारे यहाँ इस तरह की इजाद होती हैं और इस तरह की बातें होती हैं हर चीज़ में जो है वो, जब ज़्यादा पीटीआई को क्रिटिसाइज़ किया जाए तो वो कह देते हैं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बहुत हैंडसम है, तो हम लोग ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती ना और इस तरह की बातें, उनको लेकर मेरे ख्याल है कि कुछ ना तो अंडरस्टैंड करते हैं ना समझते हैं, क्योंकि वही वाली बात है परवेज़ हुदभाई वाली बात के उनके जैसे टीचर को बाहर खड़ा कर देते हैं और किसी भी आलतू फालतू को जो है वो जॉब दे देते हैं। हमारे यहाँ जब हमारा टीचर का ही कोई मयार नहीं रहेगा तो हमारे ऐसी तरह के लोग आएंगे, जब लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, आपने नहीं देखा पागलों को, वो हंसते रहते हैं, उनको उनको पता ही नहीं लगता दुनिया में क्या हो रहा है, तो मुझे खुद भी तो जब अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे नहीं कह सकता अगर हमें हंसी आ रही है। मैं भी पागल हूँ ऐसे, मुझे भी इसलिए हंसी आती है, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर हम अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, सारी दुनिया में हम भीख मांगते फिर रहे हैं, लोग हमें पैसे नहीं दे रहे, सऊदी अरब ने हमें जो बड़ा इस्लामिक हमारा हमारी कंट्री एक तरह से हमारा ब्रदर इस्लामिक कंट्री बनता है, उसने कहा पैसे निकालो, वो हमने चाइना से लेकर वापस किए हैं और अब चाइना हमारा क्या हाल करेगा किसी को नहीं पता, अमेरिका हो चाहे कुवैत हो चाहे यूएई हो, हर कोई हमें धमकियां लगा रहे हैं और हमें समझ नहीं, हम खुश बैठे हुए हैं बस, ठीक है हमारा आज का दिन गुजर गया काफी है। आरजू आप ये नहीं कहेंगी
कि हम सऊदी अरब या चीन के पास अगर पैसे लेने जाते हैं तो क्या ये अच्छा हो अगर हम सारे लोग टैक्स दे रहे हो और हमारे नेशनल किटी में पैसा हो? तो हमें बात तो ये करनी चाहिए कि हमें अपने रिसोर्सेज कैसे जनरेट करने जाना पड़े। तो जब आप सऊदी अरब की बात चीन की बात करती है तो साथ इसमें भी स्ट्रेस किया करें कि हमें टैक्स भी देना है ताकि नेशनल एक्सचेकर में पैसा जाए और हमें सऊदी अरब ना जाना पड़े। बिल्कुल जी चीमा साहब, ये चीज जो है ना वो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट होती है, जहां आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिश्वत देके अपने नाजायज घर को जायज करवा ले, वहां पे आप समझते हैं कि टैक्सेस अदा होंगे? कहां है जहांगीर तरीन, कहां है उनके सारे एटीएम कार्ड, क्यों उनसे वो टैक्स नहीं लेते, क्यों उनको बार बार छूट मिल जाती है, क्यों इस तरह से लोगों को जैसे कहते हैं ना टोपी टोपी ड्रामा चलता रहता है? तो जब वो कहा करते थे जी ऊपर अगर सही हो तो नीचे वाले अपने आप ही सही हो जाते हैं, इसका मतलब है नीचे वाले सारे गड़बड़े, तो इसका मतलब है ऊपर वाले, उन्होंने अभी साबित कर दिया अपना घर लीगल करवा के बनीगाला में के 12 लाख के कितने पैसे देकर। और अगर ये हाल हमारी गवर्नमेंट का है, ये हाल हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि एक ठेले वाला आपके साथ सही बर्ताव करेगा या आम आदमी आपके साथ? आम आदमी को तो आप बड़ा भाषण देते हैं कि जी सादा जिंदगी रहो, हमारे मौलवी भी यही कहते हैं अगली जिंदगी में ही जाके आपको कुछ मिलेगा, यहाँ पे सादा जिंदगी गुजारो, और खुद जो है वो BMW से उतर रहे होते हैं, 12-12 करोड़ के घरों में रह रहे होते हैं। तो यहाँ तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, जब तक सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, सच समझना नहीं शुरू करेंगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। 2021 भी ऐसा ही होगा जैसा भी ये साल है। लेट्स होप फॉर द बेटर। मैं ये नहीं चाहता कि थोड़ा सा ये तो करें कि एक सेकंड चीमा साहब, अगर आप यूरोप में कोई बीमार होता है ना, डॉक्टर कह देते हैं, उसको पता लग जाता है कि इसने नहीं बचना, कैंसर है या कुछ भी है, वो कह देते हैं इसके पास 40 डेज हैं, और वो एग्जैक्टली 40 डेज के बाद वो आदमी मर जाता है। हमारे यहाँ लास्ट मिनट तक कहते हैं बस जी अल्लाह बचाएगा, बस जी ठीक है, मतलब अपना दिमाग नहीं करना खर्च, अपना दिमाग बचा के रखे होते हैं हमने। आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एलिया आपके पास आता हूं, मैं कंक्लूड करने लगा हूं शो को। आपने बहुत बातें की, आपने कहा हाइब्रिड रिजीम है, सिविलियन डिप्लोमेसी की बात की आपने, ये जो बड़े स्ट्रक्चरल लेवल के इश्यू हैं, मैं एलिया आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो हाइब्रिड रिजीम है, सिविलियन डिप्लोमेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और डेमोक्रेसी का जो सिविलियन फेस है, ये हम कैसे लेके आ सकते हैं? मतलब what we need to do, what the public society, जो हमारे यूथ है, जो पाकिस्तानी यूथ है, उनको क्या करना चाहिए, ये 3-4 चीजें जो हैं वो बेहतर हो, मुल्क की आउटलुक बेहतर हो। जी देखिए, हम ये आप कह सकते हैं ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, लेकिन बहुत इनका गहरा ताल्लुक है जो हमारे कॉमन मैन के इश्यूज होते हैं उससे, कि अगर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जब हमें क्लियर होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही हो रहा है, वो पावर लाइज वेयर इट शुड लाई, और वो वहां पे डिसीजन हो रहे हैं जहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनको होना चाहिए, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, फिर वो गवर्नमेंट जो है वो भी कर सकेंगी। जब एक गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर इतना बड़ा ये लेबल लगाओ कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और वो बहुत सारी इस तरह की मतलब एक जेन्युइन की कंसर्न पाया जाता है कि इलेक्शन के जो है वो फेयर नहीं थे या जो भी था, तो वो इस तरह के कंसर्न जब तक रहेंगे इंस्टीट्यूशंस के बीच में, आपस में ये एक जो वो पावर इम्बैलेंस है वो रहेगा, तो तब तक हमारा ये आम आदमी के जो मसाइल है वो भी हल नहीं हो सकेंगे। हमें क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए इन सब चीजों को। हम अगर अपनी बात करें तो हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या मीडिया पर्सन हैं या जिस भी कैपेसिटी में हम अगर हमारे पास एक ऑडियंस है या फॉलोइंग है, तो उसके थ्रू हम लोगों को एजुकेट करें कि हमें आवाज उठानी चाहिए। आई थिंक इस अगले साल जो ये आ रहा है 2021, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवाम अपने हकूक के लिए खड़े हों, उनके वोट की चोरी के खिलाफ खड़े हों। जो ये सिविलियन सुप्रीमेसी का मसला है, ये एक आम आदमी का ही मसला है। वैसे आप कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि ये दो लीड पार्टीज हैं, उनके आपस में लीड इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में एक आपस की लड़ाई है, लेकिन ये बहुत एक कॉमन मैन को इसलिए कंसर्न करता है क्योंकि आपका जो वोट, आपके पास कोई ताकत है या नहीं, जो एक वोट आपकी वोट एक असल ताकत अवाम के पास होती है, वो जब उनसे छीन ली जाएगी तो वो फिर एक तरह से अवाम को ये मैसेज देने के बराबर होता है कि आपकी कोई से नहीं है इस पूरी जो है वो गेम के अंदर, और आपको जो है हम आपको रूल करेंगे और आप यू डोंट नीड टू डिसाइड कि कौन आएगा, तो वो डेमोक्रेसी तो फिर ना होगी ना वो। तो इसलिए अवाम को जमहूरियत के लिए, जमहूरियत में जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो वो तभी होता है जब आप देखें टर्की के अंदर हुआ, तो अवाम ने किस तरह की, अब जब अवाम खड़े होते हैं,
जब एक तरह से वो हम कहते हैं कि एक मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके अंदर आवाम को शऊर आ जाए कि ये हम क्यों इसके लिए लड़ रहे हैं। तो अगर आवाम जो है वो अपने आंखें खोल के देखें, प्रोपेगेंडा बहुत होता है, उनको नहीं बताया जाता असल चीजों का, वो अगर अवेयरनेस के ऊपर हम जैसे लोग काम करें और आवाम सही मायनों में अपने हकूक के लिए, जमहूरियत के तहफ़ के लिए खड़ी हो, तो फिर पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसको बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप एलिया की जो सजेशन है और जिसको जो यूथ जो लोग सुन रहे हैं वो ये कह रही हैं कि रेज योर वॉइस, अपनी आवाज बुलंद करें इन व्हाट एवर कैपेसिटी यू कैन, सो दैट ये जो सारे स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं ये खत्म हो सके। आमना उमैर, मैं आपके पास आता हूँ, क्या करना चाहिए हमें कि पाकिस्तान 2021 में बेहतर हो? मेरा ख्याल है कि अभी हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, आप ये कह लें कि इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर अदर रिस्क, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कुछ हो तो फिर हम सोचना शुरू करें। तो आई बिलीव कि एक होलिस्टिक अप्रोच, एक ये एक आप कह लें कि एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि वो और बाकी चीज़ें जिनको हम निगलेक्ट करते आ रहे हैं इशूज़ को, उनके बारे में देखें और प्री प्लान करें। फॉर इंस्टेंस जैसे न्यूक्लियर टेररिज्म की आप बात कर लें, और रेजिस्टेंस है हमारे, एजुकेशन क्राइसिस है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, तो इस तरह के जो इश्यूज, अगर फॉर इंस्टेंस आप COVID-19 को ही देखें तो इसको लेते हुए दे शुड प्लान फॉर अदर रिस्क एज वेल। तो आई बिलीव कि अगर पॉलिसी मेकिंग और हमारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट के साथ अलाइन होंगी तो वी कैन हैव होप फॉर अ बेटर पाकिस्तान। चले वो कह रही है कि अगर ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेस हैं ये पब्लिक पॉलिसी जो हमारे लोग बनाते हैं उससे अगर अलाइन हो तो थिंग्स कैन गेट बेटर। आरजू, मैं आखिरी सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। आपने तो वैसे पहले बयान जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी इवन देन मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रोग्रेसिव हैं, आप बहुत प्रोग्रेसिव है, ये नहीं कह रहा मैं नहीं, आप बिल्कुल प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन आपका एक अपना स्टाइल है सोचने का। आप कैसे बेहतर समझती हैं 2021 में, चले जून से भी बोलना, और क्या सजेस्ट करेंगी? एलिया ने कहा कि रेज योर वॉइस, उन्होंने कहा कि पब्लिक पॉलिसी से डील करें, ये जो चैलेंजेस हैं ताकि हम डील कर सकें, व्हाट विल यू सजेस्ट? सर, मेरे ख्याल से हमें टॉलरेंस लानी पड़ेगी, चाहे हमें एक दूसरे की बात सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, हमें दूसरे रिलीजन के लोगों को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे लोग किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे वो भी माइनॉरिटीज़ में होते हैं, तो हमें सबसे पहले अगर हम टॉलरेंस ले आएंगे हर चीज़ में, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक दूसरे की बात से, अब ठीक है हमें इख्तलाफ हो सकता है लेकिन हम किसी की ज़बान को बंद ना करें, किसी की आवाज़ को बंद ना करें, और ये चीज़ गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए, पोजीशन में भी होनी चाहिए, और जो रिलीजियस सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनमें भी होनी चाहिए कि आप जो है वो तनकीद सुनने का हौसला रखें और उस दूसरे की बात को कम से कम सुनने का मौका दें, और टॉलरेंस सबसे ज़्यादा हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरी तीनों पैनलिस्ट में यही चाह रहा था कि खवातीन जो यंग गर्ल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक अच्छा सलूशन दे सकती हैं। एलिया ने रेज योर वॉइस की बात की, आवाज़ बुलंद करें, आरजू ने कहा टॉलरेंस पैदा करें, और आमना ने कहा कि जो चैलेंजेस हैं उन्हें पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क से लिंक करें ताकि चीज़ें बेहतर हों। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2020 को आज खत्म हो रहा है और 2021 जो कल थोड़े घंटों बाद शुरू होगा वो हम सबके लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान भारत इस खित्ते के लोग साउथ एशिया और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा हो। मैं आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी आपने मौका दिया।